फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जो फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट में कीटनाशक का भी काम करेगा। प्लांट में किसी तरह के कीड़े मकोड़े की समस्या है, फंगस अटैक है या चींटियां हैं तो वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। साथ ही ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस से भरा हुआ फर्टिलाइज़र है। तो प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं या फिर प्लांट में कलियाँ गिर जाती हैं, साथ ही पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो इन सभी चीज़ों को ये फर्टिलाइज़र सही करेगा। साथ ही प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे और उसकी ग्रोथ भी दुगनी होगी। यूँ तो बारिश की सीज़न में प्लांट में अपने आप ही ग्रोथ होती रहती है, प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बारिश ज़्यादा होती है तो प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, साथ ही उसकी जड़ों में जो फंगस है वो लग जाती है नमी के कारण, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो बारिश में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, ज़्यादा पानी की वजह से हमारे प्लांट ख़राब होने लगते हैं। तो उनके लिए हमें समय समय पर कुछ ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए, साथ ही प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी बनी रहे और पत्तियां पीली ना पड़ें, इसके लिए हमें कुछ फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते रहना चाहिए। इसलिए मैं इस फर्टिलाइज़र का हर 15 दिन में या 1 महीने में प्लांट में यूज़ करती हूँ। सभी प्लांट के लिए उपयोगी है और ये पोषक तत्वों से भरपूर होममेड फर्टिलाइज़र है। और एक बार यदि आप अपने प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लेते हैं तो आपके प्लांट में फूल ना आने की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कैसा भी प्लांट हो, अच्छी फ्लोरिंग करने लगेगा, साथ ही उसमें कलियां भी नहीं गिरेंगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से बारिश में ज़्यादा पानी की वजह से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, लेकिन पत्तियां पीली पड़ने के 2 से 3 कारण होते हैं। यदि आपके यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं हो रही उसके बाद भी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो इसमें किसी तरह की बीमारी है। और यदि ऐसा भी नहीं है, आप उसकी सही समय पर देख रेख कर रहे हैं सही टाइम से, तो फिर इसमें पोषक तत्वों की कमी है। तो इसके लिए हमें जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहना चाहिए। साथ ही देखिए, प्लांट को इस तरह से चींटियां परेशान करती हैं, तो इन चींटियों को दूर रखने के लिए भी मैंने फर्टिलाइज़र में इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ मिलाई हुई है, जिससे ये चींटियां भी दूर रहेंगी और पत्तियों में किसी तरह की कीड़ों का अटैक नहीं होगा। ये मेरा गुड़हल का प्लांट है और देखिए, इस प्लांट में इस तरह से बर्ड्स ड्रॉप की प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कलियाँ ये गिर जाती हैं, तो इसके उपाय के लिए भी मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। यदि आपके प्लांट में भी इस तरह की समस्या होती है और कलियां गिरती हैं तो आपको इन पोषक तत्वों के साथ ही इस फर्टिलाइज़र को देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक जार ले लिया है और मेरे पास ये पहली जो चीज़ है वो है आलू के छिलके। आलू के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम होता है और ये हमारे घर में आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है, तो ये हमें प्लांट के लिए यूज़ करते रहना चाहिए। तो मैंने ये एक मुट्ठी फ्रेश आलू के छिलके लिए हुए हैं, आपके पास सूखे हों तो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं, वो है ये फ्रेश केले का छिलका। केले के छिलके को फ्रेंड्स जब आप 1 से 2 दिन रख देते हैं तो बारिश के समय में वो छिलके में फंगस लग जाती है, तो आपको उस छिलके का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बिल्कुल फ्रेश केले का छिलका उसी दिन का उसी दिन यदि आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो यूज़ करें, ये अभी का छिलका है, या फिर आप सूखे छिलके को भी यूज़ कर सकते हैं। आपने यदि गर्मियों के मौसम में छिलके को स्टोर करके रखा हुआ है तो आप उसके छिलके को, सूखे वाले छिलके को, ये देखिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास सूखा छिलका भी है और फ्रेश भी है, तो मैंने अभी फ्रेश का छिलका यूज़ करूँगी। और दूसरी बात यह है कि लोगों को डाउट रहता है बारिश के समय में केले के छिलके का यूज़ करने से उसमें या तो फंगस लग जाती हैं, चींटियाँ लगती हैं, तो इसके लिए मैं एक और चीज़ मिलाने वाली हूँ। यदि वो चीज़ मिला के आप डालते हैं तो आपको प्लांट में इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना चींटियां लगेंगी और ना ही फंगस लगेगी। तो केले के छिलके को छोटे छोटे भागों में काट लेती हूँ मैं। 2 केले के छिलके लिए हैं और 1 मुट्ठी मैंने आलू का छिलका लिया है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने 2 केले के छिलके काट लिए हैं, इनको भी इसमें मिला देती हूँ। साथ ही अब इसमें एक चीज़ और मिलाऊँगी मैं, जो है ये दालचीनी। दालचीनी बहुत तेज़ गंध होती है और इसमें पोषक तत्व भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये रूटिंग हार्मोन की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, जड़ों का बहुत अच्छा इससे विकास होता है, तो ये दोनों काम करती है, इंसेक्ट को दूर रखती है, साथ ही हमारे प्लांट को ग्रोथ भी अच्छी देती है। तो ये दालचीनी का पाउडर मिलाऊंगी मैं, इसको आपको अच्छी तरह से पीस लेना है और पीसने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये दालचीनी का पाउडर मिलेगा, तो आपको 1 चम्मच ये दालचीनी पाउडर इसमें डाल देना है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़र के साथ साथ कीड़ों से भी फ्री रखेगा। अब इसमें मैं पानी मिलाती हूँ, तो इसमें मैंने 200 से 250 ml पानी मिला दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसे 1 दिन के लिए रख देना है। 1 दिन में ही ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्रेश केले के छिलके और फ्रेश ही आलू का छिलका लिया है, इसे ज़्यादा दिन रखने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसे किस तरह से प्लांट पर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, 1 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र को आप देखेंगे
तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए इसका पूरी तरह से कलर चेंज हो गया है। ये तो पहले मैं इसे छान लेती हूँ। तो छानने के बाद ये फर्टिलाइज़र हमें मिला है। अब इसको हमें एक हिस्सा फर्टिलाइज़र और तीन हिस्से इसमें पानी मिलाना है। तो ये फर्टिलाइज़र हमारा तैयार है प्लांट में डालने के लिए। इसको आप अपने किसी भी प्लांट के सॉइल में इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए फर्टिलाइज़र। थैंक यू।